आवाम की पूरी ख्वाहिश है और 24 घंटा लोगों के बीच में रहने वाला नेता अगर है जो रियल मुझे बता रहे हैं, ये कोई वो नहीं है जो रियल सीन है, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब को वोट लोगों ने किया कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, पार्टी की कमी नहीं है, मैं भी पार्टी की कमी नहीं कहूँगा, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब में बहुत बड़ा ईगो है कि वो सोचते हैं छोड़िए अब भी मुझे टिकट मिलेगा ही और पार्टी कांग्रेस का ही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरा चैलेंज है, मेरा नाम है आजाद टेलर, आजाद टेलर जी, इस बार उसको वोट नहीं होगा, वो नहीं होगा, देख लीजिएगा। काम नहीं किया, क्या किया है बताइए आप, किशनगंज वाले बता, आप बता दीजिए क्या काम हो रहा है, युवाओं को जब रोजगार ही नहीं मिला है, मीडिया लेके चले ना, जब कहीं भी आप जाइएगा, आप तो मैंने देखा आपको कि बैसा मुर्मू भी गए हैं, अभी मेरा बच्चा एडमिट है निरंजन सर के पास जा रहा, तो मैं देख रहा था कि आप यहाँ पे ले रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल कैसा है, सबसे बुरा हाल है, इलाज नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है, आज मैं 70,000 रुपए दे चुका हूँ अभी तक, एक गरीब आदमी होकर के क्या हॉस्पिटल है, क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जावेद को क्यों नहीं कॉल किया, कौन आपने, सर उनके इसके भी पीए को भी कॉल किया हूँ मैं, कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं लेता वो लोग, जी एक बार फोन कीजिए आप, सर आपको बता रहे हैं, इधर इधर बाइक इधर, आई आई जाम हो जाए, आई इधर आइए, बिल्कुल वही जानना है, वही जानना, सामने आइए आप, सामने आइए, चले कॉल कीजिए, अभी भी फोन लगाऊंगा, डॉक्टर जावेद के पीए को कॉल कर रहे हैं आप, डॉक्टर जावेद साहब का पीओ को कॉल कर रहा हूँ मैं, आप जो बोल रहे हैं स्पीकर ऑन कीजिएगा, जावेद डॉक्टर जावेद स्पीकर ऑन कीजिए, हेलो मैडम, मैंने कई बार कॉल किया इनको, अच्छा बच्चे के चक्कर में किया था मैंने कि थोड़ा रिस्पॉन्स देगा तो ऐसा हो जाएगा, मैम किसी और नंबर से कॉल कीजिए, किसी और नंबर से कॉल कीजिए, आपके 70,000 रुपए ले गए हैं, इलाज होना चाहिए, नहीं होगा मैडम, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, मुझे पता है ना, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, मुझे तो पता है, गरीब आदमी मर रहे हैं इलाज के लिए, लगाइए नंबर, किसका मोबाइल है, मोबाइल तो हमारा, लगाइए फोन, लगाइए नंबर दीजिए, नंबर तो दो ना भाई उसको, देखिए कौन उठाता है कॉल, बात पहले और था कि लोग यहाँ के लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे नंबर के मास्टर मुजाहिद साहब फोटो स्टेट है, लेकिन अभी देख रहा हूँ सब उसका जोरेस्कोपी बन रहा है, आप लोग फिर अभी तो देखने की जावेद साहब का पीए भी पोस्ट कर रहा है, पहले क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था, जब बाढ़ का पानी घुस गया अमर भाषा में तब वहाँ एंट्री मार रहे हैं आप, पहले क्या कर रहे थे आप, मैं चाहता हूँ मैडम मेरा बच्चा बीमार है, सॉरी अभी मुझे नहाने के लिए जा रहे हैं, आप नंबर दें, आप मुझे नंबर दें, बच्चा को हुआ क्या है, एक बच्चा हुआ क्या बताएं जरा, बच्चा का टाइप पहले बुखार हुआ था, उसको टाइफाइड हो गया, उसके बाद उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, दर्द के कारण उसके बेचैनी सा बहुत ज्यादा था उसको, अभी मुझे ठहरा गया, तो अच्छा सब कोई सारे नेता पहुंचे हैं, एक डॉक्टर जावेद साहब के वही नहीं पहुंचा है, बाकी सब नेता पहुंचे, सबका मैं शुक्रगुजार हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं बात करूं, मुझे ऐसा बहुत रिस्पॉन्स दिए हैं उनका, इजहार एसपी विधायक प्रतिनिधि गुड्डू भैया वो भी पहुंचे बेचारे, उन्होंने भी साथ दिया, इफ्तखार एसपी दुबई में रहते हैं उन्होंने भी साथ दिया, सबने हेल्प किया, लेकिन डॉक्टर जावेद कोई हेल्प नहीं है, क्या बात कीजिएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा यार, बच्चा तो मैडम अल्लाह का शुक्र है, और मदद की जरूरत है आपको, बता मदद मिलनी चाहिए, नंबर बताइए, 8544-3030 इलेक्शन में मैंने वर्दी पहन के काम किया था डॉक्टर साहब का, कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं, आपका नाम लेकर के मैं कॉल करूंगी, मैं डॉक्टर जावेद से बात करूंगी, करेंगे ही नहीं वो, बिल्कुल मैं अभी मस्तान चौक में अभी जो रोड का काम हो रहा है मानंदा के उस पार, दुकानदार जो जल्दी दुकान को लेता नहीं है बारे में, उसका तो कम से कम कोई हल करते, कम से कम क्या होगा नहीं होगा कोई मतलब ही नहीं, उनको यही पता है इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, कांग्रेस का टिकट है, लोग वोट देगा, यहाँ का जनता गुलाम मेरा है, वही सोचता बात खत्म, कौन है ये, उसी का नंबर था, हेलो जी आप कौन, डॉक्टर जावेद साहब, जी सर डॉक्टर जावेद के पीएम कॉल इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉल करो अभी, नहीं क्या आप लोग, नहीं मैं दिखाऊंगी ना, सब कुछ जानते हैं आपको, मैं पता ही है, वही कैमरे के सामने ही तो देखना है, बच्चा बीमार है उनको जाने दीजिए, जरा फोन कीजिए,
उसका बच्चा बीमार है, दुआ करूं, दुआ करूं। बच्चा बीमार है, ठीक है जाए। नाम क्या बताया उन्होंने? आजाद टेलर। आजाद टेलर, मैं बता दे। हेलो सर, मैं नेहा हबीब बात कर रही हूँ न्यूज बिन से। नेहा हबीब न्यूज बिन से बात कर रही हूँ मैं। जी सर, आपको आजाद टेलर के नाम से एक कॉल गई थी और कॉल रिसीव नहीं की जा रही, उसका बच्चा बीमार है, वो गरीब आदमी एक टेलर, अदना टेलर है, 70,000 रुपये उसके लग गए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक भी मदद नहीं की। एक प्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी मदद करें। सुनिए ना, हेलो जी, हम अभी ट्रैवलिंग में, ट्रैवल में कर रहे हैं, पटना से किशनगंज आ रहे हैं। सर आप कहीं भी जाए, नहीं नहीं, आप पटना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जनता तो वोट आपको करती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप तुरंत फोन कर दिया इसने, सही बात है। ये देखिए ऑन कॉल उन्होंने आजाद टेलर, जिसका बच्चा बीमार है, ज्यादा देर रोकने की कोशिश नहीं करें, बच्चा बीमार है, वो काफी परेशान है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टर जावेद क्यों रिस्पांस नहीं करते लोगों को। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बेबस है, परेशान है और उनकी खबर तक नहीं लेते हैं, और आजाद टेलर का बच्चा जो है वो लगातार सीरियस बताया जाए, लेकिन आप सभी दुआ करें कि बच्चा सबसे पहले ठीक हो जाए, उसके बाद एक प्रतिनिधि होने के नाते उनको सबसे पहले फोन रिसीव करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था। जी बोलिए सर। जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी, आजाद टेलर का बच्चा जो बीमार है, कम से कम आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, आप मदद करें उनकी। जी जी क्या काट दिया कॉल? जी वो कई बार फोन कर चुके हैं सर, कई बार फोन किए, उनके पीए को फोन किया उन्होंने। जी मैं गुजारिश यही करूंगी सर कि एक बार जरूर आजाद टेलर के बच्चे से मिले, वो काफी बीमार हैं और अस्पताल की हालत ठीक नहीं होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, 70,000 रुपये वो पे कर चुके हैं, बहुत गरीब है, अदना इंसान है। जी जी सर, हॉस्पिटल का नाम क्या है? निरंजन, डॉक्टर निरंजन के पास सर। जी जरूर, आपसे गुजारिश है सर। चलिए अब देखते हैं इनका रिएक्ट आता है कि नहीं आता, ठीक है? ठीक है, चलिए आपके कारण सर मदद, नहीं बिल्कुल मदद होनी चाहिए 70,000 रुपए देने के लिए, अगर अस्पताल में डॉक्टर होते तो नहीं जाते 70,000 रुपए देने के लिए। नहीं करेगा मदद तो कब करेगा? नहीं कब मदद करेंगे आप जनता की? अस्पताल किसकी जिम्मेदारी बनती है? यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है। लंदन जाए, क्या उसके 70,000 रुपए रिटर्न होना चाहिए? एकदम एकदम सही बोले आप, एकदम पैसा सिर्फ 70,000 है, उसके साथ मुआवजा के साथ रिटर्न होना चाहिए, उसको व्यवस्था को बिल्कुल होना चाहिए। क्या आजाद टेलर के पैसे रिटर्न होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न होना चाहिए उनका पैसे, बिल्कुल उनका पैसा रिटर्न होना चाहिए। मैं आजाद टेलर को मैं बहुत करीबी से जान रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जान रहा हूँ कि वो किस इससे गुजर रहा है, वो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। बहुत गरीब है, एक टेलर का टेलरिंग करता है, वो दर्जी का काम, कपड़ा सिलाने का काम करते हैं, उसी से वो अपना घर परिवार संभालते हैं। सिर्फ आजाद टेलर ही नहीं, हर आजाद टेलर को सही स्वास्थ्य मिलना चाहिए।